आज के बनाबो आलू पापड़। आज आलू का पापड़ बनाऊंगी, यानी जो रख सकते हैं वैसा वाला पापड़, जेटा हमारा अनेक दिन रखते पाए। तो और जन्ने आमी एकटा आलू नहीं निये छी। एकटा आलू के केटे एरकम पतला पतला केटे निये छी। ऐसा पतला पतला इसको काट लिया है मैंने ये बटाटे को। अभी बटाटे पानी में डाले हैं, जलेर भीतरे ढेले छी, ओते एक टू सोडा दिए छी, खाने का सोडा, खावास सोडा एक टू दिए दिलाम, और उसको थोड़ा ऐसे पानी में चुबो लिया। थोड़ी देर रख देंगे उसको, एक टू खन देखे देबो। बेटा साइड में मैंने पानी बॉयल करने को रखा है, जल एक टू फुटाते रखे छी और आलूटा भिजिए रखे छी। जब बॉयल हो जाएगा तब हम बटाटे उसमें डालेंगे, पानी उबलने लगेगी, जलटा जब फुटबे बट बट करे तखन आमरा आलूटा दिए देबो। जलटा फुटछे, पानी उबल रहा है, अब ये मैं बटाटा उस पानी से निकाल के इसमें डाल दूंगा। देर करे एटाते दिए देबो। एकदम जोर जोर से बॉयल हो रहा था तो मैंने बटाटा निकाल के डाल दिया, आलू गुलो दिए दिलाम। मैंने एक ही बटाटा लिया है, एकटाई आलू निये छिलाम। अब इसको वापस उबल आने देते हैं, आबार एटा फुटते लागबे, ततक्षण पर्यन्त आमरा एटा गैसे ही राखी। जनरली अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में हम इसको बना सकते हैं, जब तेज धूप होती है। एटा आमरा अप्रैल मासे लास्ट बा मई मासे आमरा एटा बनिए रखते पारी, क्योंकि कि खूब कड़ा रौद्र थाके। इसको करके हम साल भर के लिए रख सकते हैं। एक बछर ए आलू पापड़टा पड़े रेखे दीते पारें, आर जखन इच्छे करबे तेले भेजे नीते पारें। एक साल रख के आपको जब भी चाहिए वो तेल में फ्राई करके खा सकते हैं। बहुत इजी है, एकदम सहज, बिल्कुल कठिन नहीं है। इसको मैंने मीडियम फ्लेम किया हुआ है, मध्यम आंच करे रखे छी। आ देखुन एगुलो उपरे भेसे भेसे आसछे, ये सब ऐसे फ्लोट हो रहे हैं। ज्यादा देर नहीं पकाना है, बहुत देर पकाएंगे तो वो बॉयल हो जाएगा। बेशित खन अटाके फुटाबेन ना, नहीं तो सिद्ध हो जाबे, ओइरकमो सिद्ध हुआ चाहिए ना। आलूर उपरे निर्भर करे कत मिनट एटाके आपनी फुटाबेन। बटाटा कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी देर उसको उबालेंगे। अगर ज्यादा देर में बॉयल होता है तो थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन हम इसको 5 मिनट्स ही ऐसे उबालते जाएंगे, मीडियम या फुल फ्लेम पे। सिम पे नहीं रखेंगे, मीडियम या फुल फ्लेम, मध्यम आजे ना तो एकदम कम आजे रख देना, फुल आजे ही रखा भालो। अनेकटा जल दीते हबे, पानी थोड़ा ज्यादा ही देना है। 5 मिनट हो गए छे, 5 मिनट हो गए, अब ये ऐसे बन गया है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी, गैस टा बंद कर दे। गैस बंद कर दिया है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, एक तो ठंडा होते देबो। जलटा के स्ट्रेन करे निये छी, पानी को हमने स्ट्रेन कर लिया है ऐसे स्ट्रेनर में। अब हम एक थाली रेडी करेंगे, थालाटा रेडी करे छी। एक थाली ले ली है ऐसे वाली, और उसके ऊपर एक पॉलिथीन बैग डाली हुई है, एक प्लास्टिक ढेले छी। मोटा वाला प्लास्टिक होगा तो ज्यादा अच्छा है, मोटा प्लास्टिक होले भालो है। एरम एकटा प्लास्टिक रेडी करे निये छी। अपनार इच्छे करले एक तो तेल लगाते पारें, आपको चाहिए तो आप तेल लगा सकते हैं थोड़ा सा ऐसा, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, तेल ना लगा लो चलबे। तो थोड़ा मैंने तेल लगा लिया है। अब हम इस ये जो पापड़ है इसको एक एक करके ऐसे फैला देंगे, एरम करे एगुलो के और उपरे रेखे देबो। अब इसको धूप में सुखाएंगे, एटा रोदे आमरा शुकनो करबो, कड़ा रोदे दीता हबे,
एकदम कड़क धूप हो तो अच्छा है। 2 दिन सुखाना पड़ेगा, 2 दिन शुकनो करते হবে এটাকে। আজকে রেখেছি, কালকেও আবার রোদে রাখতে হবে, পরশু দিনও রোদে রাখতে হবে। কাল আজ ধূপ মে রাখুঙ্গি, ফির কাল ভি ধূপ মে রাখনা পড়েগা উসকো পলট কে। এটা একটু একটু শুকনো হয়ে যাবে তখন এটাকে উল্টে দেবেন। जब थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाएगा उसको निकाल के उसको पलट देना है। तो ऐसे मैंने उसको सजा लिया है, अभी मैं धूप में डाल दूंगी। रोद्रे रेखे दे। मेरी जो बालकनी है यहाँ पे काफी धूप है तो मैंने इसको ऐसे धूप में सुखाने रख दिया। हमार बालकनी ते रोद्रो आछे, हमी रोद्रो ते एटा दिए दिए छे। 2-3 दिन सुखाने के बाद वो ऐसे सूख जाते हैं, 2-3 दिन सुखानोर पड़े ओटा एरकम शुकनो हो जाए। एबारे देखुन आमी एटा भेजे देखाबो कि रकम होय। मैं इसको तल के आपको बता रही हूँ कैसा होगा ये। इसको सुखा के एयरटाइट डब्बे में ही आपको रखना है। अपने एकदम डब्बा जेटाते हवा जाए ना एरकम एयरटाइट डब्बाते ही एटाके राखबेन। देखिए मैंने तेल एकदम गरम कर ली है, तेलटाके एकदम गरम करेछि, दुटो दिए दिलाम। देखुन कि सुंदर भाजा हो गया, देखिए कितना सुंदर फ्राई हो रहा है। और भी थोड़े फ्राई कर लेती हूँ एरकम। देखिए मैंने थोड़े फ्राई कर लिए, आमी कोयेकटा फ्राई करे नियेछि। एबारे डाल दिए भात दिए ये आलू भाजाटा खूब भालो लागे। ये डाल और चावल और ये जो तला है हमने बहुत अच्छा लगता है। आप भी बना के देखिए गर्मियों के सीजन में। बाय। और एक चीज है, हमने इसके ऊपर नमक नहीं डाली है तो आप इसके ऊपर थोड़ा नमक छिड़का देंगे। नून एक टुकड़ी ये रखूँ छोड़िए रेबन। नून आप इसके ऊपर मिर्ची पाउडर भी छिड़का सकते हैं। लौंका गुड़ो छिटिए दीते बारे। तो बनिए खबें। बाय।